नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर्स का और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे स्वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड। पिछली बार हम लोग यहां रूट जे पर आ चुके थे और आज हम जाएंगे गोल्डन आइलैंड और वहां से आगे बढ़कर हम रीच करेंगे मर्कट आइलैंड। तो लेट्स सी आज हम कहां तक जा पाते हैं। मेरे आवाज़ में थोड़ा चेंज रहेगा, एक्चुअली मुझे सर्दी है, मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। इन ट्रेनर्स को हमने पिछले एपिसोड में हरा दिया था, एंड में दो बैच हो चुके हैं अभी हमारे पास, रिपेल चालू है। चलो कंटिन्यू करते हैं। चारे जा रहे क्या आगे, पिकाचू तुम जाओ। हमारा पहला बैटल गोल्डिन। ओके गोल्डिन तो है, थंडर नेक्स्ट है, क्रैबी। थंडर तो मैं सिखाऊंगा नहीं, नॉन प्रिडिक्टेबल अटैक है वो, कभी भी हिट होता है कभी भी मिस हो जाता है। सीन एक थंडर शॉक इनफ। एक ट्रेनर तो गया, इतना हेड स्पॉट था, कोई ट्रेनर नहीं है। चलो डाइव स्पॉट ही एक्सप्लोर कर लेते, उसमें क्या है। ओ यहां पर एक बोट, अच्छा वो घोस्ट शिप वाला चैप्टर, कुछ नहीं है। वाओ स्पेल टैग पोपट हो गया है अपना। एक मिनट, हिडन आइटम, यू गाइस ऑलरेडी नो, हमने बहुत बार मिले हिडन आइटम्स। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें झाड़ियों में कभी हिडन आइटम मिले नहीं, मगर ट्राई करने में अपना क्या जाता है। चलो फिर कुछ नहीं है यहाँ पर, तुरंत एक पोकेमॉन, जैसे पहले खत्म हुआ वैसे तुरंत। बारिश आने वाली इधर, खतरनाक। रूट जे मोर आइलैंड गोल्डन आइलैंड। ड्राउजी हाँ शुरू भी हो गई, शुरू हो गई बारिश। अरे पैरालाइज नहीं किया पता चो तूने। ओके एक ट्रेनर गया, अभी यूज करूंगा मैं रिपेल। मेटल गोल बॉस मियाँ हो तो क्या पानी में मियाँ को लेके आए हो, गलती से भी लेके मत आओ, वो बिल्ली है, बिल्ली को पानी से एलर्जी होती है, मतलब उसके ऊपर पानी उड़ाओगे तो वो भाग जाएगी। वैसे डॉग्स के साथ ऐसा होता नहीं है, वो मजा लेते हैं पानी का। चलो मे भी अभी गोल्डन आइलैंड आ भी गया, मैं रूट के जा रहा हूं। मैं रूट के कहां पर फिर, अच्छा उधर से नीचे है। ओके मतलब आप चाहो तो शायद से गोल्डन आइलैंड स्किप कर सकते हो, मगर मैं नहीं स्किप करूंगा ये। आपको मालूम इधर मियाउथ का वो क्वेस्ट है, Hail the Meowth of Bounty, Hail the Meowth of Bounty. The time has come for the bounty ceremony. The Meowth of Bounty will use payday to bring a bounty of coins to our people. Use payday? I can't even use that move. Looks like this carriage is over. I need to get out of here. Okay. Hidden items dekhne do mujhe zara. गोल्डन आइलैंड, आइलैंड ऑफ बाउंटी। वाओ कितनी बाउंटी है तुम्हारे ऊपर, 400 मिलियन बेरीज जस्ट लाइक आवर गॉड लूफी, 1500 बिलियन बेरीज। घर भी चेक कर लेते, इसने इंफॉर्मेशन दिया कुछ आइटम वाइटम दे दिया तो हमारे लिए अच्छा है। ओह सब लोग अपने अपने जगह पे चले गए, रिपेल की फिलहाल तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मगर मैं सबसे फिर भी बात करूँगा, क्या मानो अभी उनके डायलॉग्स चेंज हो गए होंगे तो हमारे लिए अच्छा है वो। ओह एमुलेट कॉइन थैंक यू,
ये देखो तुम्हारा पेड़े का आइटम मेरे पास है। हाँ ओके, वो साइड तो हम जा नहीं सकते, दिख रहा है मुझे वहाँ पर सर्व करिए, मगर ठीक है मैं अब तो गया भागकर। हम भी जाएंगे यहाँ से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, रूट के पर हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियली। हाँ इलेक्ट्रिक टाइप ट्रेनर, जाओ चार्जार्ड, क्यों मुझे लग रहा है मैग्नेमाइट यूज करेगा। मैग्नेमाइट, यस माय हाइपोथेसिस इज करेक्ट, मैग्नेमाइट गया इसी के साथ। हिडन आइटम तो कुछ नहीं, रुक के गोल्डन आयरन, मरकट आयरन, मरकट आयरन के बहुत नजदीक हम। एक बार स्विच कर देता हूँ फिर से। अरे रुको, तो क्या लगता है आपको मैं फाइनल में लीग के दौरान क्या लेवलअप होने चाहिए, मतलब कितनी डिफिकल्टी हो सकती है? 50 ठीक रहेंगे मेरे ख्याल से सब लोग, 50 के आसपास, 50 से 55 मैक्सिमम। ये देखो अब तक ट्रेनर बैटल्स की ही डिफिकल्टी 30 तक आई नहीं है, तो मे बी वो मिक्स जब मर्कआउट आइलैंड में क्रॉस करके आगे निकलूंगा तब शायद वो उतनी डिफिकल्टी होगी। फायर टाइप ट्रेनर, वाह मैंने टॉच किया उसको, लिटरली टॉच किया मैंने उसको। वल्पिक्स ओके, एक वाटर गन, आओ वल्पिक्स फास्ट, सिर्फ कंफ्यूज रे मत यूज करना। अरे यार वो एडवेंचर एंड से मुझे आदत हो गई है, नाइनटेल जब कभी भी बैटल में आती थी वो कंफ्यूज रे यूज करती थी मेरे अगेंस्ट। एक डाल दो वाटर गन, ऐसे पिचकारी मार देगा, हमारा काम हो गया। प्लीज यार एक कंफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे फुल हील नहीं वेस्ट करना है, प्लीज थैंक यू। एक और वल्पिक्स अभी स्विच करता हूँ, और एक सर्फ, चाहे इसने कंफ्यूजर अभी नहीं यूज किया, सर्फ में जाएगा वल्पिक्स। ओके स्पोर्टल तुम वापस आ जाओ। क्या है यार इतनी बार कंफ्यूज हुए मगर एक बार भी हिट नहीं कर पाए, चिटिंग है यार स्पोर्टल। ओके एक थंडर शॉक गया, टेंटाकूल, एक और थंडर शॉक इनफ होगा। यप 42 पिकाचू, नाइस इजी इजी। मर्कट आइलैंड हम लोग आ चुके हैं, वेरिडियन फॉरेस्ट ओके। यहाँ पर मतलब वो ट्रेसी का में भी इवेंट होगा, साइथर वाला, चलो पहले हील तो कर लेता हूँ, बात भी कर लेता हूँ सबसे। आई होप एक नेक्स्ट एपिसोड है उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमारा जिम चैलेंज होगा, आई होप ट्रोबिटा आइलैंड। बहुत नज़दीक है क्योंकि अपन ट्रोबिटा आइलैंड से, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जाएंगे उधर। ओके मर्कट आइलैंड द होम ऑफ बग्स, हेड आइटम तो नहीं मिल रहा मुझे कुछ भी। ओ थैंक यू टीम 40 एरियल एस, चार्ज आर्ट के लिए अच्छा होगा अगर वोबिंग अटैक नहीं सीखा तो। मर्कट मेडल्स, मर्कट मेडल्स टिप्स डेफिनेटली, अगर ट्रेनर बैटल हुई तो वो सब लोग यूज करेंगे बग टाइप पोकेमोन ही। अरे मुझे लगा तुम लोग बैटल करोगे, चिटिंग है यार, मैंने फिलहाल तो रिपेल यूज नहीं किया है जानबूझ कर, अगर ज़्यादा ही पोकेमोन आने लगे तो मैं यूज़ करूँगा। ओह नाइस बटरफ्ली, कुछ तो उसका चेंज है ना विंग फॉर्मेट, उसका कुछ अलग रखना है मुझे वो। देखो ट्रेनर से ही बोला मैंने, ट्रेनर होंगे यहाँ पर। ककूना, एक एम्बर, अच्छे ऐसे ही पोकेमोन यूज करो अच्छे लेवल के ताकि मेरा 40 भी लेवल अप हो जाए। मुझे ऑफ स्क्रीन सिर्फ स्कोर्टल के ऊपर ध्यान देना होगा,
क्योंकि बल्बसॉर ऑलरेडी 30 के आगे है, 31 पर है वो। स्नोरलैक्स बाय डिफॉल्ट 30 था, लैप्रस भी 30 के नज़दीक है। सिर्फ मुझे स्कोर्टल के ऊपर मेहनत करनी है। डे केयर मिला नहीं है तो मुझे वाइल्ड में ही ट्रेनिंग करनी होगी। हाइपर पोशन यार अभी मैं रिपेल यूज कर रहा हूँ। ये देखो ना उसका वेरिएंट लग रहा है मुझे कुछ तो, चार चार डॉट मैंने ओरिजिनल बट शायद तुम देखे नहीं है पंखों पर। मे बी अगर मैं भी भूल गया होगा, क्योंकि मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम खेला था खुद से फायर रेड तभी मैंने बटरफ्ली यूज़ किया था, उसके बाद से मैंने कभी बटरफ्ली यूज़ नहीं किया टीम में। मेटापॉड ठीक है, एम्बर यस, बटरफ्ली। अरे रे अभी तुम मत खेलना कन्फ्यूजन चार हजार। थैंक यू स्कॉल्टर ने खेला है, नियरली उसकी 50% एच पी गई थी उसमें खुद को हर्ट करने में। तुम मत करना ऐसे, मुझे लगा यहाँ पर हिडन आइटम होगा। फिरो टिम्बर अटैक, अरे फास्ट टाइम हिट करना ही है सर मुझे। ओके कम से कम एक लेवल देखे गया मुझे वो तो ठीक है, चलो माफ किया तुझे, माफी दे तुझे माफी। एक रेयर कैंडी मिली मुझे यहाँ पर। मैडम जी बैटल कर लो। अरे अचानक से फ्लाइंग टाइप की यूज कर रहे हो तुम लोग, हुआ क्या है तुम सबको? टीएमओ 6 टॉक्सिक मिला मुझे। एनर्जी रूट हिडन आइटम, एक और रिपेल मेरे ख्याल से ठीक होगा यूज करना। वोरा ट्रेसी और साइथर, मगर सबसे पहले मैं बैटल्स करना ही पसंद करूंगा। मेनोनेट ठीक है, इजी मेनोनेट भी गया। तो वेलेंसी आइलैंड पे जो वुड्स थे ना उस कैसा हो जाएगा, वापस आना पड़ेगा मुझे पीछे और रिपेल वेस्ट हो जाएंगे बाकी कुछ नहीं। इसलिए अभी हूँ तो अभी बैटल कर लेता हूँ सबसे क्लोज, शायद और 10-12 एच पी मिलती तो शायद मेरा काम हो जाता। पिंसर होगा मेरा पिंसर, ये जाएगा 33 पर इजी। हीट वेव डेफिनेटली, क्यों नहीं फायर स्पिन निकाल देते हैं। फ्लेम थ्रो से कहता है अच्छा मूव रहना चाहिए। एक तो सिल्वर पाउडर, कोई हिडन आइटम तो मिला नहीं। चलो फिर अभी ट्रेसी के पास जा सकते हैं। हिडन आइटम कुछ नहीं। हाय देयर स्काई, लुक एट दिस वाइल्ड साइथर, इट्स इन अ रियली बैड कंडीशन। We shouldn't battle it in this condition. Let me try and catch it and take it to the Pokemon Center to heal. Pokemon, go. I'm off to the Pokemon Center. Tracy, wait. Maybe I'm coming. कहाँ पर exit? हाँ, ये है exit. Tracy. अरे पहले मैं खुद हील कर लेता हूँ, अगर उसने बैटल करने की इच्छा जताई तो एटलीस्ट मेरे पोकेमॉन हील अप रहेंगे। हाय स्काई, गुड टू सी यू। फॉर्चुनेटली साइथर इज ऑलरेडी डूइंग अ लिटिल बेटर, टू हील कंप्लीटली इट हैज टू टेक अ लिटिल मोर रेस्ट दो। ट्रेनर ट्रेसी, साइथर जस्ट फ्लू आउट थ्रू द विंडो, ही वेंट स्ट्रेट टू मर्कट मेडोज। आई शुड गो आफ्टर साइथर राइट अवे। वेट ट्रेसी, आई एम कमिंग टू। अरे घर में नहीं जाना है मेरे भाई, उसके पीछे मर्कट मेडोज में जाना है। मे भी उसी जगह पर गया होगा जहाँ पर उसको पहली बार साइथर मिला था। तो चलो नहीं, हाँ
Oh, hi, sky. I was looking for my scyther, but then I ran into this spectacle. Scyther. What a nice swarm of scythers. Do you think we can catch them? Of course we can. And with a swarm of scyther on our side, we shall be simply unstoppable. Plus, we can score points with the boss. Let's go catch them all. Have a taste of this glue gun, okay? Now, they are covered in glue. They have nowhere to go. They are ready to be caught. Looks like we forgot one of them. Ouch! This one doesn't look too happy. Let's get out of here quickly. Team Rocket is blasting off again. After this spectacle piece, return to Murkoff Meadows. A swarm of scyther took their time to clean the glue from their bodies. A while later, the time has come to say goodbye. Scyther. Looks like Scyther said goodbye to his former swarm. Scyther used to be the leader of that swarm. It probably got challenged by another Scyther to fight for the swarm's leadership. That's why we found it in such an injured condition. It lost that battle. After such a loss, a Scyther can't stay with its swarm. It has to train to become stronger and challenge the new leader to a rematch. I decided to help Scyther to become stronger by becoming his Pokemon trainer. And why don't we start right now? Let's have a Pokemon battle right away, Sky. तो सिर्फ साइथर या तुम्हारे सारे पोकेमॉन ट्रेसी सारे पोकेमॉन लकीली चारिज़ार्ड आ गए हैं. अरे रे तो मैंने बर्न तो कर दिया उसको मगर उसने तो स्लीप पाउडर यूज़ किया. मुझे जाना पड़ेगा मेरे फुल हील के साथ. फिर सुपर पोशन कोई बात नहीं, एक एम्बर और इनफ रहेगा. मेरे लो वापस आ जाओ चार्जर्ड, जाओ पिकाचू. अरे बल्बासोर को भेज सकता था रे मैं. थंडरबोल्ट ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेरिल भी गए. साइथर जाओ चार्जर्ड और यूज करो हीट. इजी, साइथर गया. गुड फाइट स्काई. Good job, Scyther. Return. Thanks for battling, Sky. It's the first of many steps in making Scyther stronger. I'm going to heal my Pokemon now, but my gut tells me we will meet again sometime soon. See you around, Sky. Yeah, see you around, Tracy. Maybe bahar hi aa raha hu abhi forest se. Mujhe bhi aage badhna hi hai journey mein. Easy. हील भी हो गया. ट्रेसी नहीं है यहाँ पर, मतलब वो जा चुका है आगे जर्नी में अपने. रूट एल पर आ चुका हूँ मैं अभी. चलो सर्व करेंगे और टी के चुप रखेंगे आगे. और एक बार मैप में मैं देख भी लेता हूँ कि एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं हम लोग. बहुत लंबा रूट है ये एल. पहुँचेंगे हम लोग मैंडरिन साउथ. ओके साउथ नहीं, साउथ. रिपेल चालू है तो कोई गल नहीं. चलो रिपेल जस्ट गया, जस्ट बोला मैंने रिपेल चालू है, नो प्रॉब्लम. और रिपेल जस गया. बैटल प्लीज टेंटा मूव मत यूज करो ताकि मैं बल्बासोर को भी ट्रेनिंग इधर ही दे दूँ. अभी 4033 पर है तो मेरे ख्याल से सब लोग 32 के आसपास होने जरूरी है. 32 पर है बल्बासोर, मेरे को 31 पर है वो. ठीक है फिर तो उसको क्या दो तीन बैटल चाहिए सर, वो 33 पे यू ही चला जाएगा. शेल्डर अरे मिस मत कर बल्बासोर, ऊपर से तुझे डिसएडवांटेज है भाई, वापस आ जा तू. मिस करना है अटैक तो डिसएडवांटेज होते हुए भी रखा बैटल में ताकि एक या मैक्सिमम दो रेजर में हरा सको. तू मिस कर रहा है अटैक. स्टारडस्ट हिडन आइटम, बाकी तो कुछ नहीं. रूट एल मर्कट आइलैंड मैंडन आइलैंड साउथ. डैमी ओके एक थंडर शॉक इनफ होगा. गुल्डीन गुल्डीन भी गया इसलिए. ठीक है थैंक यू फॉर बैटल.
यहाँ पर बाकी कोई ट्रेनर नहीं है, हिडन आइटम भी कुछ नहीं। मेरा हिडन आइटम होगा यहाँ पर एक पैटल। शॉक में भी दूसरा भी लगेगा शॉक मुझे, और सी ठीक है एक और थंडर शॉक इजी। और सी भी गया बैटल में से बाहर, एक बैटल तो जीत गए। चलो एक लास्ट बैटल कर लेते हैं आज के एपिसोड का। हाँ मुझे मालूम है लॉन्ग रूट है, मगर क्या करें जर्नी तो कंटिन्यू करनी है। कॉल क्रैबी इस बार जाओ बल्बसॉर, प्लीज रेजर लीफ मिस मत करना, बहुत डैमेज खाते हो क्योंकि तुम। ओके क्रैबी भी गया, 33 बल्बसॉर फाइनली। ओह वाह ये आइलैंड है बीच में। ओके तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारे जर्नी में आगे बढ़ेंगे और इस आइलैंड को एक्सप्लोर करके ही आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।